वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश के पार्थिव शरीर को रांची प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड के पत्रकारों, समाजसेवी, मंत्री, नेताओं समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया। रवि प्रकाश गंभीर बीमारी कैंसर से लड़ रहे थे। 2021 के जनवरी महीने में रवि प्रकाश को लंग कैंसर होने की बात का पता चला था, जिसके बाद से वो लोगों को लंग कैंसर के प्रति जागरूक कर रहे थे। उन्होंने कैंसर वाला कैमरा के नाम से जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रांची प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत रवि प्रकाश के अंतिम दर्शन के लिए रखे गए पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश जी का निधन काफी पीड़ादायक है। ये पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम होगा। देखिए, आज हम लोग प्रेस क्लब में एक दुखद घड़ी के दुखद घड़ी में उपस्थित हुए हैं। एक अपूर्णीय क्षति पत्रकार जगत में हुई है। एक नौजवान पत्रकार रवि प्रकाश जी पत्रकार दुनिया से और हम लोगों के बीच से मैं अब ये नहीं रहे, और उनके बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम है। और आज उनके इस पार्थिव शरीर पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, और जो उन्होंने अपना मिसाल कायम किया है उस मिसाल को जिंदा रखा जाए। देखिए, ये तो जीवन की नियति है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जो जाने और आने के बीच का जो कालखंड होता है, उस कालखंड में वो लोग क्या करते हैं, क्या दे जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इनके जाने के पहले के जो 4 साल थे, यानी जब इन्हें कैंसर पता चला, जब ये कैंसर से पीड़ित हैं और फोर्थ स्टेज था, सबसे पहली बात तो ये है कि शायद ही किसी इनके शुभचिंतक के साथियों ने ये उम्मीद की थी कि वो 4 साल संघर्ष कर पाएंगे। और ये संघर्ष की जो 4 साल रहे, वो 4 साल इन्होंने एक नई मिसाल पेश की है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी इन्होंने कैंसर के प्रति और कैंसर से लड़ते हुए इन्होंने जो दिलेरी दिखाई और एक नई तरह की मिसाल इन्होंने पेश की है, जिसके लिए इन्हें अमेरिका में भी सम्मानित किया गया। और ये बड़ी दुर्भाग्य का की दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका से लौटकर उस अचीवमेंट को ये सेलिब्रेट नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में ये हम सबको छोड़कर चले गए। देखिए, बहुत अलग तरह के का प्रेरणा हम लोगों को मिला रवि सर से। उनके लाइफ को हम लोग अगर दो तरह से देखें तो एक प्री कैंसर और पोस्ट कैंसर जो लाइफ रहा, तो पोस्ट कैंसर का जो लाइफ है वो बहुत अलग रहा। मतलब 4 साल लगभग, जब पहली बार उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कि 18 महीने का आपके पास में लाइफ है, जो एक कैंसर का एडवांस स्टेज के बाद जो बताया गया था। और ये उसके बाद 4 साल तक इन्होंने कैंसर को लगातार कैंसर से जूझते रहे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मौत को एकदम इतनी तेज़ी से दौड़े, कैंसर से लड़े जूझे कि ये इनका जीवन जो है और ये बढ़ा। और ये 4 साल एक बहुत ही अलग तरीके से ये जिए। पूरे देश भर में लंग्स कैंसर के प्रति ये आवाज़ उठाते रहे, दवाइयों को लेकर ये हमेशा ये बात कहते रहे कि दवाइयों की जो कीमत है, चूँकि वे एक पीड़ित भी थे, लगातार दवाइयों को लेकर, कीमो काफ़ी महंगा होता है, दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं, तो उसको लेकर ऑल इंडिया लेवल पर ये इस चीज़ों को रखे कि जो दवाइयाँ हैं उनका दाम कम किया जाए और महंगी दवाइयों को लेकर के उसके खिलाफ में एक अभियान भी चलाते रहे। और साथ साथ जो नए जो कैंसर के पेशेंट होते हैं तो उनको लेकर के भी लगातार जागरूक करते रहे उन लोगों को कि कहीं कोई मिस ट्रीटमेंट ना हो जाए, या फिर जो सिम्टम है तो उसको कैसे पकड़ें, कैसे बात करें, कैसे डॉक्टर इलाज कराएं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोगों ने देखा कि जब इनको कीमो होता था
तो कीमो के बाद भी ये एक बिल्कुल उठ खड़े होते थे, रिपोर्टिंग करते थे, लाइव रिपोर्टिंग करते थे। मुझे घटना याद है कि गुड्डा में एक भूत हसान हुआ था, वहाँ ठीक कीमो के बाद ये पहुँच गए थे वहाँ रिपोर्टिंग करने। उसी तरह खूंटी में जब हालिया जब घटनाएं हुई, चुनाव का भी कवरेज हुआ, तो लगातार ये फील्ड में जैसे हम आप और सारे पत्रकार घूमते हैं, तो ये कैंसर अपने भीतर रख के, एडवांस स्टेज का कैंसर अपने भीतर रख के ये बिल्कुल उसी तरह से अपने पत्रकारिता का भी धर्म निभा रहे थे। तो बहुत अलग तरह से ये अपने जीवन में प्रेरणा जो है वह दे के लोगों को गए। और हम लोगों ने फिल्म में देखा है, एक आनंद फिल्म आई थी, तो हम लोगों ने अपने जीवन में रियल लाइफ आनंद को हम लोगों ने महसूस किया और उन्हें देखा है। जाना सबको है, आप क्या छोड़कर जाते हैं। ये रवि अद्भुत पत्रकार, अद्भुत विल पावर इतना जबरदस्त है कि उसने कैंसर जैसी बीमारी को भी रोक के रखा इतने सालों तक। ये आसान काम नहीं होता है। मैसेज दिया कि विल पावर अगर आपके पास है तो आप फाइट कर सकते हैं। और अगर कोई भगवान न करे ऐसा हादसा किसी के परिवार में या किसी व्यक्ति को होता है तो रोने से नहीं होता है, उसने जीवन जिया, लोगों को संदेश दिया, है ना, अपना काम नहीं छोड़ा। अभी हाल में इलेक्शन के पहले तक उसने हमारा एक इंटरव्यू लिया दूरदर्शन में, वहाँ पर भी पत्रकारिता में जाकर है, बीबीसी में लगातार लिखता रहा है। तो वो एक जो पैशन था वो अंतिम समय तक जिया। ताजुब की बात है कि बेड पर है, वेंटिलेटर में जाने के पहले भी कुछ क्षण पहले है हम लोग को मैसेज किया, हो अपने हाथ से वो मैसेज कर रहा है, लिख रहा है। तो ये सक्रियता है ना, ये आसान काम नहीं होता है। तो रवि को कोई आदमी भूल नहीं पाएगा, अद्भुत लड़का, बहुत ही पैशन से, उतना ही अच्छा व्यवहार, हम सारे लोग बहुत मिस करेंगे। देखिए रवि से हमारा नाता जो है वो 96-97 से है, और जब वो मोतिहारी से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी और आखिरी वक्त तक हम साथ रहे। मैंने पत्रकारिता छोड़ दी, मैं फिल्मी दुनिया का हिस्सा हो गया, लेकिन जब भी मुझे अपने पत्रकार होने वाले दिन याद आते थे मैं रवि को याद करता था, रवि से बातें करता था। और मुझे कमाल की बात ये लगी कि ये जान जाने के बाद कि हम 4 साल बाद नहीं बचेंगे, 2 साल बाद नहीं बचेंगे, उस बीच में आदमी सब कुछ छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, लेकिन रवि ने उसके बाद ज़्यादा पत्रकारिता की। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद जो उनके काम करने की रफ्तार थी, गति थी, वो कमाल है, अनुकरणीय है। और हमारी स्मृतियों में ऊर्जा की तरह, ऊर्जा के स्रोत की तरह वो जो है हमेशा बने रहेंगे। और हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे कि जीवन छोटा सा ही सही, कैसे बेहतर और उम्दा तरीके से जिया जाए, इसकी प्रेरणा तो देकर गए हैं रवि जी।